पर हम जितना मर्जी भी चाय छिपा लें, देख लियो कोई बेटी चौथ इस बात को छिपन ना दे। यहाँ खेत में गन्ने, नहर में लाश और सड़क पे चूतिया ही मिलेंगे। आप क्या हुआ, इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं, वो औरतों को चूल्हा जलाते, दूसरे आदमियों का घर जलाते बहुत बार देखा है, सिगरेट जलाते पहली बार देखा है। वैसे आप यहाँ की लगती ना? जी मैं सलारपुर जा रही थी, मेरे मामा जी रहते वहाँ। सलारपुर? हाँ। पर वहाँ तो कल बोलना। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है इंस्पेक्टर? ना ना, कुछ गड़बड़ नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं कि सलारपुर की बस यहाँ से ना मिले, शामलीपुर अड्डे से मिले। शायद गलत आ गए आप यहाँ। आप भी कमाल कर रहे हैं हवालदार साहब, पिछले 18 सालों से सलारपुर की बस तो यहीं से मिल रही है। बात कुछ और है, हम शायद आप लोग एक अकेली मजबूर लड़की की मदद नहीं करना चाहते। इट्स ओके। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है कि उधर का माहौल खराब है। देख लाली, कल ही वहाँ एक छोरे को मार दिया गया है और माहौल थोड़ा बिगड़ सा गया है। तो पुलिस क्या कर रही है? अभी तो जी मुद्दे को छुपा रही है। इसमें पुलिस प्रशासन की कोई गलती है क्या? अरे प्रशासन से आज तक कभी कोई गलती हुई है? वो तो हमारे SSP साहब हैं, उनसे हो गई गलती। काम कर, अब सब बता देने। अरे तो ये कौन सा SSP साहब को बताने जा रही है यार? अच्छा ठीक है, पहले ठीक से बता तो दीजिए कि हुआ क्या है। हीरो बनने के चक्कर में SSP साहब से चुतियापा हो गया और एक लौंडा मारा गया, विनय त्यागी। तभी तो बात को बाहर आने नहीं दे रहे। एक सिगरेट है, सिगरेट। इसका मतलब सिकेरा साहब की गलती की सजा पूरा सलारपुर झेल रहा है। तो तुम मतलब आप जानती है सिकेरा साहब को? तुम ठीक कह रहे थे, यहाँ खेत में गन्ने, नहर में लाश और सड़क पे चूतिया ही मिलते हैं।